हम लोग ब्राउनीज बना रहे हैं। मैंने डार्क कंपाउंड लिया है 150 ग्राम, देन उसको काट के एक बर्तन में रखा है। बहुत कम अनटेंसिल्स से मैं ये ब्राउनी बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास भी केक के ज़्यादा अनटेंसिल्स नहीं है, लेकिन जो चीज़ थोड़ा बहुत होना चाहिए केक बनाने के लिए वो सब है। अब मैं इसे डबल बॉयलर मेथड से बॉयल्ड करूँगी और इसमें 100 ग्राम बटर डालेंगे। आप 100 ग्राम का बटर लाते हैं मार्केट से तो उसे पूरा डाल दीजिए, आपको मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मेज़रमेंट चाहिए। अब वो मेथड से, डबल बॉयल मेथड से वो बॉयल हो गया, पूरा चॉकलेट मेल्ट हो गया। मैंने फिर अपना गैस तंदूर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं ओवन में इसको नहीं बना रही हूँ, मैं इसे गैस तंदूर में बना रही हूँ। आप चाहे तो कढ़ाई में बनाइए। अब मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ चॉकलेट को, और मैं इसे दूसरे बर्तन में पोर कर दूंगी क्योंकि ये बर्तन अभी थोड़ा गर्म था, और दूसरे बर्तन में पोर करने से चॉकलेट थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और मेरे पास भी बहुत सारे अनटेंसिल नहीं है, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मैं भी कभी कभी इन सब चीज़ों को ट्राई करती रहती हूँ अपने बच्चे के लिए। मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1/3 कप चीनी पिसी हुई, 3 टेबल स्पून कोका पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इन सबको स्लीव करके उस बैटर में गिराते जाएंगे। देन 1/2 कप मिल्क धीरे धीरे डालना है और उसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। पूरा मिल्क एक बार में नहीं डालना है, धीरे धीरे डाल के कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। अब हमारा बैटर कंसिस्टेंसी रिबन की तरह जब नीचे गिरने लगे तो समझ जाइए हमारा बैटर रेडी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिल्क और लिया है 1/2 कप से, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मिल्क डाला है, और मैं इसे फिर से आपको दिखाऊंगी रिबन की तरह ये गिर रहा है नीचे की ओर। अब 1 टीस्पून वेनिला एसेंस इसमें मैंने डाल दिया है, फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देन इसे पोर कर देंगे हम टिन में, जिसे मैंने पहले से ऑयल डाल के, सिंपल रिफाइंड ऑयल डाल के ग्रीस कर दिया था। अब केक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना, जब आप बैटर डाल दें टिन में तो उसे टैप करना ना भूले। बैटर को टैप करेंगे तो वहाँ एयर बबल सारे निकल जाएंगे। तो मैंने बैटर को यहाँ टैप किया है, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से मैंने ये सब किया है सारा। अब मैं इसे डाल दूँगी बेक होने के लिए। आफ्टर 30 मिनट जब ये बेक हो जाएगा तो मैं इसे निकालूँगी। एकदम मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसे बेक किया है। अब ये बेक हो चुका है, बेक होने के बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। ठंडा हो जाने के बाद इसमें की गार्निशिंग करेंगे। चलिए अब हम लोग लेते हैं मिल्क कंपाउंड, उसमें डालते हैं थोड़ा सा मिल्क और डबल बॉयल मेथड से इसको पिघलाते हैं, यानी कि मेल्ट करते हैं। मैंने देखिए कितना सा मिल्क लिया है, इसलिए आप देखिए पूरे वीडियो में आपको न केक बनाने के बहुत सारे यूटेंसिल्स, ओवन, कुछ भी नहीं ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मल तरीके से मैं घर में बच्चे की खुशी के लिए केक बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने सारे केक्स ट्राई किए हुए हैं, मैं धीरे धीरे सेंड करूँगी अपने चैनल पे, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम इसे मेथड से करेंगे कंप्लीट, पूरा मेल्ट करेंगे। इसमें क्या होता है ना, हमेशा उसको चलाते रहना होता है। चॉकलेट जब कट करके डालते हैं मेथड से, डबल बॉयल मेथड से मेल्ट होने के लिए, तो उसको चलाते रहना है। अब हम इसको चला रहे हैं अच्छे से, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है। मिक्स करते जाएंगे, मिक्स इसे करते जाएंगे, और थोड़ा सा मिल्क मैं यहाँ और ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा मिल्क। देन इसे पोर करेंगे अब
ब्राउनीज़ पे। मेरे पास भी ब्राउनीज़ के लिए स्टैंड नहीं था और ना ही कोई चौकोर प्लेट था। मैंने सर्कल प्लेट में ही इसे पोर किया। थोड़ा सा ब्राउनीज़ मेरा कहीं से टूट क्रैक कर गया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं क्रैक आ गया उसमें, ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मेरे पास चौकोर प्लेट नहीं थे गार्निश करने के लिए, इसलिए मैं इसी में कर रही हूँ। थोड़ा सा उसमें आ गया क्रैक, कोई बात नहीं, घर में ही खाना है हम लोग। ये साइड से देख रहे हैं, वो वहीं पे मैंने जब प्लेट में डालने लगी ना तो वो वहाँ पे वो थोड़ा सा टूट गया। ब्राउनीज हमारा रेडी है। मैंने इसके ऊपर चॉकलेट पूरा पोर कर दिया है। अब थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेंगे वाइट चोको चिप्स। थोड़े शुगर स्प्रिंकल्स एंड ब्लैक चोको डार्क चोको चिप्स या ब्लैक चोको चिप्स जो भी आप उसे बोल सकते हैं। तो कुछ चॉकलेट, कुछ केक के सामान और कुछ थोड़े बहुत अंडेंसल्स होने से हम घर में बहुत ही अच्छे तरीके से केक बना सकते हैं और अपनी खुशियां मना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसे घर में आप लोग ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। अब इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ।